ना वॉल्यूम कभी फेक हो सकता है, ना कभी प्राइस कभी फेक हो सकता है, दोनों में कुछ भी फेक नहीं होता। हेलो गाइस, गाइस आज के वीडियो में यार हम लोग देखने जा रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम को कैसे ट्रेड करें और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या निकालेगा। आज आपको एक बहुत ही बड़ा सा एक सच पता चलेगा कि लोग आपको कितना गलत बताते हैं, ठीक है, गलत ही नहीं, एक्चुअल में वो जानते ही नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, 99% जितने भी यूट्यूबर्स हैं, किसी ने इस बात को एक्चुअल में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम कैसे काम करती है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, किसी ने नहीं बताया है। और इस बात का मैं दावा करता हूं कि अभी तक आप वॉल्यूम के बेस पे अगर ट्रेड लेते होगे तो आप हमेशा नुकसान करते हो। और आप एक ही चीज सोच लिए हो कि यार वॉल्यूम के बेस पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों किसी को वॉल्यूम समझ में नहीं आता है? इसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि हमारे पास में जो नॉलेज स्प्रेड है, ठीक है, जो लोगों ने नॉलेज हमारे बीच में दिया है वो पूरा का पूरा गलत है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो कम है, आधा अधूरा है, नहीं, पूरा गलत है, पूरा का पूरा गलत है। और ये मैं इस बात का मैं प्रूफ इस वीडियो में मैं दूंगा, ठीक है, आपको आगे चल के जब मैं वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा तब आपकी इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उस वक्त में पता चलेगा कि वॉल्यूम को रियल वे में कैसे यूज करते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके थ्रू तब आपके पैसे बनेंगे, वरना कभी नहीं बन सकता है। तो गाइस बस 10 मिनट अपना दो, आपको इस वीडियो का इंपॉर्टेंस कितना है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग वॉल्यूम को पूरे बेसिक से लेकर के फुल एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है, पूरा बेसिक से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम स्टार्ट करते साथ में हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपने वॉल्यूम 9th-10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, मैथ में वॉल्यूम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का एक्चुअल में हिंदी मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा घेरा गया स्थान। मतलब किसी भी वस्तु ने अगर कोई स्थान को अगर घेरता है, ठीक है, तो उसे वॉल्यूम कहते हैं। हमारे स्टॉक के मार्केट में, हमारे क्रिप्टो के मार्केट में, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब एक ही है कि कितने लोगों ने भाग लिया, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, एक कैंडल में, एक कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया एक कैंडल में, ठीक है, उसे ही वॉल्यूम कहते हैं। मतलब देखो हमारे पास में यहां पर एक कैंडल है, रेड कैंडल, ठीक है। अब ये कैंडल में मान लो अगर 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया या 10 शेयर खरीदे गए इसका, ठीक है, कोई शेयर है उसका 10 शेयर खरीदा गया तो एक कैंडल बन गया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसका वॉल्यूम क्या है, 10। मान लो कि निफ्टी का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी का 10 शेयर अगर मैं खरीदता हूं, ठीक है, 10 शेयर मान लो आधा ये मैं खरीदता हूं, ठीक है, और एक कैंडल बन जाता है, एक कैंडल बन जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस कैंडल का वॉल्यूम कितना है, 10 शेयर, 10 यूनिट इस कैंडल का वॉल्यूम, ठीक है। तो कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया ये हमें वॉल्यूम बताता है। ये जो वॉल्यूम, ये जितने भी वॉल्यूम जो आप यहां पर देख रहे हो ना, ठीक है, नीचे में ये जो हमारे पास में वॉल्यूम का बॉक्स होता है ना, ये वॉल्यूम का बॉक्स, ठीक है, ये वॉल्यूम का, ठीक है, ये क्या होता है, ये हमें बताता है कि कितने लोगों ने खरीदा, कितना अमाउंट में, मतलब कितने कितने सारे शेयर खरीदे गए हैं, ठीक है, कितना लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये हमें बताने का काम वॉल्यूम करता है। उम्मीद करता हूं गाइस आपको समझ में आ रहा है। और यहां पर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपने नोटिस किया होगा, देखो यहां पे साइड में हमारे पास में जब आप वॉल्यूम की साइड में देखोगे, ठीक है, तो यहां पर देखो 16 की, 14 की, 12 की, ठीक है, ये कुछ के में आपको नजर यहां पर आ रहा हो, के मतलब हजार, ठीक है, 16,000, 14,000, ठीक है, मतलब कि देखो ये कैंडल यहां तक आया है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में देखो, यहां पर जब आप देखोगे, ठीक है, हमारे पास में यही कोई 8,000, लगभग 8,000 शेयर ये कैंडल में खरीदा गया है। ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है, मतलब 8,000 बिटकॉइन ये कैंडल में खरीदा गया तब जाकर के ये वॉल्यूम बना है। कि कौन सा कैंडल पे हम लोग देखते हैं, रुको, हाँ देखो ये जो हमारा यहां पर, ये जो हमारा यहां पर ये जो कैंडल बना है ना, ठीक है, ये कैंडल, इसमें 8,000 बिटकॉइन को बेचा गया, कितना, 8,000 बिटकॉइन का खरीद बिक्री हुआ, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला,
ये हमें पता चला, ये वॉल्यूम ने बताया, ठीक है। तो यही काम होता है वॉल्यूम का, यही काम किसका होता है, वॉल्यूम का यही काम होता है, ठीक है, ओके। अब गाइज यहां से तो समझ में आ गया वॉल्यूम क्या होता है, ये समझ में आ गया, और वॉल्यूम के थ्रू हमें क्या पता चलता है, ठीक है, वॉल्यूम के थ्रू हमें क्या पता चलता है, ठीक है, वो पता चल गया। अब मैं बात करता हूं कि लोगों ने आपके दिमाग में कितना गलत फहमी भर के रखा है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मार्केट में फेक बाइंग होता है, ठीक है, फेक बाइंग होता है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस के पास में लोग बोलते हैं ना कि ये वॉल्यूम इसमें नहीं है और मार्केट फिर भी ऊपर बढ़ रही है। बात समझो, वॉल्यूम नहीं है फिर भी अगर मार्केट ऊपर बढ़ रही, ठीक है, तो लोग इसे फेक बाइंग बोलते हैं। क्या? फेक बाइंग बोलते हैं, पर ये गलत है। वॉल्यूम कभी भी फेक नहीं हो सकता, ना वॉल्यूम कभी फेक हो सकता है, ना कभी प्राइस कभी फेक हो सकता है, दोनों में कुछ भी फेक नहीं होता। आप ही बताओ ना, कैसे कैसे लोग फेक बनाएगा, रियल में खरीदेगा ना, फेक कोई नहीं बना सकता है, फेक कोई भी नहीं बना सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा गाइस कि मान लो छोटा सा वॉल्यूम है, देखो यहां पे हमारे पास में, यहां पर हमारे पास में एक छोटा सा वॉल्यूम है, ओके, हमारे पास में बड़ा सा कैंडल है, तो लोग इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस, कि मैच नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर कुछ गलत है, लोग ऐसे बोलते हैं कि मैच नहीं कर रहा है, यहां पर कुछ गलत है, इसका मतलब ये प्राइस ज्यादा देरी तक सस्टेन नहीं करेगा, यहां से मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। लोग ऐसा, ऐसा आपको बहुत बार सुनने को मिला होगा, लोगों ने बोला भी होगा वॉल्यूम को लेकर के, पर ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है ये आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब मैं इसके फॉर्मूले का बात करूंगा तब जाकर के आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वॉल्यूम निकलता कैसे है और साथ में ही वॉल्यूम को लेकर के प्राइस कैसे बढ़ता है, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में प्राइस कभी बड़ा कैंडल बनाएगा छोटा वॉल्यूम पे, कभी बड़ा वॉल्यूम पे छोटा कैंडल बनाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन और किस सिचुएशन पे कैसी, वो फॉर्मूले के बाद आपको पता चलेगा। और गाइस दूसरा कंडीशन आपने देखा होगा कि मान लो बड़ा सा वॉल्यूम है, वॉल्यूम बड़ा है, देखो ये हमारे पास यहां पर हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम है, और यहां पर देखोगे तो एक छोटा सा कैंडल बना है, ठीक है, तो आप बोलोगे नहीं कुछ गलत है, कुछ गलत है, डाइवर्जेंस है, मतलब मिसमैच है, मैच नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा बात है कि ये प्राइस अब जो है सो ज्यादा देरी तक गिरने नहीं वाला है, ठीक है, अब यहां से मार्केट ऊपर जाए, पर ये सारा कॉन्सेप्ट आपका गलत है, सारा गलत है, ठीक है। ये सारे वॉल्यूम देखो यहां पर, ये बड़ा वॉल्यूम के साथ छोटा कैंडल बनना भी सही है, छोटे वॉल्यूम के साथ बड़ा कैंडल भी बनना सही है, बड़े वॉल्यूम के साथ में बड़ा कैंडल बनना, ठीक है, ये बड़ा कैंडल बना ये भी सही है, और छोटे वॉल्यूम के साथ में छोटा कैंडल अगर बनता है ये भी सही, ये भी सही है, बस आपको चीजें नहीं पता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि बनता कैसे है वॉल्यूम, वॉल्यूम बनने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उसके बाद में आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद में क्या आपकी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस यहां पर मैंने फॉर्मूला रखा है, ठीक है, यहां पर क्या मेरे पास में फॉर्मूला है, यहां पर क्या मेरे पास में फॉर्मूला है। अब देखो कोई भी अगर वॉल्यूम अगर हमें निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम अगर निकालना है हमें, तो वॉल्यूम कब निकलेगा, एक वॉल्यूम कब होगा, जब हमारे पास में एक बायर होगा और एक सेलर होगा। मतलब अगर कोई भी हो, अगर वो एक बिटकॉइन बेच रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए जो एक बिटकॉइन खरीदेगा, तब जाकर के एक बिजनेस होता है, सही ना। अगर कोई पूछेगा व्यापार क्या होता है, ठीक है, व्यापार क्या होता है, व्यापार कब हम लोग बोलेंगे, व्यापार हो गया जब मैं अपना सामान बेच दूंगा, सिंपल सी बात है ना। मान लो अगर मेरे पास में ये माउस है, ओके, मेरे पास में ये माउस है, ओके, अब ये माउस को कोई बोलेगा कि मान लो मेरा माउस का दुकान है, मेरा लैपटॉप और कंप्यूटर का दुकान है, अब कोई पूछेगा, अगर मैं मान लो कि मैं ये माउस को किसी को बेच देता हूँ, ठीक है, किसी को बेच देता हूँ, तो कोई पूछेगा कि तुम्हारा बिजनेस हुआ, मैं बोलूंगा हाँ मेरा बिजनेस हुआ, मेरा एक बिजनेस हुआ है। क्या बिजनेस हुआ? एक माउस बेचने का। पर ऐसा सपोज कभी कर सकते हो कि बिना कोई खरीदे हुए माउस बिकेगा? मान लो कोई भी ये माउस को नहीं खरीद रहा, ये माउस बिकेगा, तब बोलो कि नहीं,
मतलब सिंपल सा बात है कि एक बिजनेस होने के लिए, एक कंप्लीट बिजनेस होने के लिए हमारे पास में एक बायर्स का जरूरत है और एक सेलर्स का जरूरत है। जब एक बायर्स, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला जब मिलता है, तब जाकर के कहीं एक बिजनेस होता है। उसी तरीके से जब हमारे पास में शेयर्स को खरीदने के लिए एक बायर्स होता है और एक सेलर्स होता है, मतलब एक 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 शेयर्स बेचा जाता है तो एक सेलर, एक शेयर्स खरीदा जाता है, तब जाकर के हमारा एक वॉल्यूम बनता है। क्या बनता है? तब हमारा एक वॉल्यूम बनता है। कितना? तब एक वॉल्यूम बनेगा। एक कोई बेचेगा, एक कोई खरीदेगा, तब एक वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, एक वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, तो यहां से तो पता चल गया कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, प्राइस के साथ में एक वॉल्यूम निकाल करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, तब जाकर के रियल में चीजें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, रियल में चीजें क्लियर होगी। पता चल गया वॉल्यूम के साथ में। ठीक है, तब हमारा एक वॉल्यूम, मान लो, ठीक है, मेरे पास में देखो गाइस, यहां पर हमारे पास में बायर्स है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या बायर्स है, ये हमारे पास में रुपीज है। ठीक है, ये 10 रुपए का प्राइस है, 10 रुपए का एरिया है। ठीक है, ये 10 रुपए का एरिया है, ये 11 रुपए का एरिया है, ये 12 रुपए का एरिया है, और ये 13 रुपए का एरिया है। और यहां पर हमारे पास में सेलर्स है। ठीक है, यहां पर हमारे पास में सेलर्स है। अब गाइज, अब आप लो यहां पर देखो, ठीक है, 10 रुपए का जो एरिया है हमारा, ठीक है, 10 रुपए पे एरिया पे खरीदने वाले लोग 15 है। कितना लोग खरीदना चाहते हैं 10 रुपए के एरिया पे? 15 लोग। मान लो 10 रुपए पर मैं एक निफ्टी का एक शेयर बेचता हूं। ठीक है, एक्चुअली 10 रुपए तो नहीं है, बस मान लो ना, नहीं तो बिटकॉइन को मान लो। ठीक है, कि बिटकॉइन का मैं एक बिटकॉइन बेच रहा हूं कितना, 10 रुपए, तो 15 लोग आ गए खरीदने के लिए। कितना? 15 लोग आ गए बिटकॉइन को खरीदने के लिए। पर मेरे पास में कितना, 6 बिटकॉइन। कितना है, मैं बेचूंगा कितना, 6, क्योंकि मेरे पास 6 ही है सेलर्स। मतलब लोग बेच कितना रहा है, लोग बेच 6 रहा है। ठीक है, पर खरीदना कितना चाह रहा है लोग, 15। बेच 6 रहा है 10 रुपए पे, और लोग खरीदना चाह रहा है 15। पर देखो, खरीदेगा तो 15 ही। ठीक है, अगर मैं अगर सोच लिया हूं कि मुझे 1 केजी सेब खरीदना है, तो मैं 1 केजी ही खरीदूंगा, 1 केजी ही खरीदूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि 10 रुपए के रेट पे, ठीक है, 6 बिटकॉइन खरीद दूंगा। क्या करूंगा, 6 बिटकॉइन खरीद दूंगा। अब मुझे और कितने बिटकॉइन खरीदने पड़ेंगे, अब मुझे और बिटकॉइन खरीदने पड़ेंगे 9। कितने? 9। अब 9 मुझे बिटकॉइन और खरीदने हैं, तो 9 बिटकॉइन मुझे कहां पे मिलेगा और, ये मैं ढूंढूंगा कि 9 बिटकॉइन मुझे कहां मिलेगा। तो 11 रुपए पे कोई दूसरा व्यक्ति है जो 11 रुपए पे 8 बिटकॉइन बेच रहा है। ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि लो, तुम 11 रुपए करके दो हमको, पर हमको 8 बिटकॉइन दो। ठीक है, पर साथ में ही मेरे पास में 11 रुपए पे 8 बिटकॉइन खरीदने के लिए और लोग रेडी है। ठीक है, कितने और लोग चाह रहे हैं कि वो खरीदें। ठीक है, तो मेरे पास में पहले तो 9 बच गया था। ठीक है, हम लोग यहां पर लिख करके रखते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख करके रखते हैं। ठीक है, 9 पहले से था। ठीक है, 8 और लोग खरीदना चाह रहे हैं, कितने, 11 रुपए पे। 11 रुपए पे हमारा ये है, कितना टोटल हो, टोटल मिलाकर कितना हुआ, 17। ठीक है, 17 बिटकॉइन हमें खरीदना है। कितना, 11 रुपए पे। कितना, 11 रुपए पे हमें 17 बिटकॉइन खरीदना है। पर हमारे पास में 11 रुपए में कितने हैं, 8 बिटकॉइन। कितना, 8 बिटकॉइन है, तो माइनस इसमें 8 कर दो, तो फिर हमारे पास में कितना बचेगा, 9। ठीक है, 9 हमारे पास में बचेगा जब हम लोग 17 में 8 माइनस कर देंगे, ये मिल गया। तो अब हमें और 9 बिटकॉइन खरीदना है, तो जो लोग को और 9 बिटकॉइन खरीदना है, वो क्या करेंगे, अब 11 रुपए पे नहीं, 12 रुपए पे देखेंगे कि 12 रुपए पे कितना बिटकॉइन बिक रहा है। ठीक है, तो 12 रुपए पे हमारे पास में 11 बिटकॉइन बिक रहा था, पर 12 रुपए पे 5 लोग और थे जो खरीदना चाह रहे थे, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 होगा हमारे पास में 13। ठीक है, 13 बिटकॉइन 12 रुपए पे लोग खरीदने को रेडी है, पर बिक कितना रहा है, बिक रहा है हमारे पास में 11। ठीक है, 12 रुपए पे 11 बिटकॉइन ही बिक रहा है। कितना, 11 बिटकॉइन बिक रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास में कितना बिटकॉइन बचा,
ठीक है, हमें 11 ही मिला तो फिर भी हमारे पास में 2 बिटकॉइन तो हमें और खरीदना है। तो अब ये 2 बिटकॉइन हम लोग कहां खरीदेंगे? अब हम लोग 12 रुपए पे भी हमें पूरा पूरा हमारा इच्छा पूरा नहीं, ठीक है, हम लोग को और खरीदना है, ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग खरीदेंगे 13 रुपए पे, 13 रुपए पे फिर देखेंगे तो 5 बिटकॉइन बिक रहा था, कितना 5 बिटकॉइन बिक रहा था 13 रुपए पे, ठीक है। जब 13 रुपए पे 5 बिटकॉइन बिक रहा था, ठीक है, तो वहां पर 2 लोग और थे जो खरीदना चाहते थे, कितना 13 रुपए पे 2 लोग और आ गए, ठीक है, पीछे से 2 लोग और आए, बोले कि हम भी कर देंगे 2 बिटकॉइन, ठीक है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, अब हमारे पास में 4 बिटकॉइन हो गए, पर लोग यहां 5 बेच रहे थे, कितना 5 बेच रहे थे, तो अब हम लोग यहां पर 13 रुपए में बोल दिए कि हाँ हम लोगों ने खरीद लिया, कितना, कुछ हम लोगों ने 10 रुपए पे खरीदा, कुछ हम लोग 11 रुपए पे खरीदे, कुछ हम लोग 12 रुपए पे। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि अगर अगर मुझे बिटकॉइन खरीदना अगर बायर्स ज्यादा है, थोड़ा सोचो एक बात, ठीक है, बायर्स अगर ज्यादा है तो बायर्स ने यहां से शुरुआत किया, ठीक है, मान लो बायर्स ने ये 10 रुपए से शुरुआत किया, ठीक है, बायर्स क्योंकि ज्यादा है मार्केट में, देखो ओवरऑल क्या आपको पता चला कि बायर्स मार्केट में ज्यादा है, 10 रुपए पे ज्यादा कौन है, बायर्स की सेलर्स, बायर्स, ठीक है, तो मार्केट को क्या करेगा, अब वो 11 रुपए तक जाएगा, कैंडल इस तरह बनेगा, देखो कैंडल इस तरह बनेगा, अब 11 रुपए पे भी जब वो खरीदते हैं, ठीक है, 11 रुपए पे भी खरीदते हैं तो उस वक्त में भी बायर्स ज्यादा हो जाते हैं, क्या बायर्स फिर भी 11 रुपए पे भी वो पूरा उनको जितना उन्हें खरीदना रहता है पूरा नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं 12 रुपए पे जाते हैं, कुछ बिटकॉइन खरीदने के लिए 12 रुपए पे, अब 12 रुपए पे भी जितना वो चाहते हैं उतना उन्हें नहीं मिलता है, उतना क्या उन्हें नहीं मिलता है, तो वो 13 रुपए पे जाते हैं, और फाइनली 13 रुपए पे जितना बायर्स चाहते हैं उतना वो खरीद लेते हैं, और फिर टाइम हो जाता है और मार्केट में कुछ इस तरह का कैंडल बनता है, कितना, कुछ इस तरह का कैंडल बनता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ओवरऑल यहां पर बिजनेस कितना हुआ, देखो एक बायर्स और एक सेलर्स मिलाकर के एक वॉल्यूम बनता है, तो अब मुझे बताओ यहां पर वॉल्यूम कितना बनेगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना, ठीक है, बायर्स को आप काउंट कर लो, तो जितना बायर्स ने खरीदा है, तो खरीदा है तो किसी ने तो बेचा है, ठीक है, सेलर्स ने मतलब उतना बेचा है, तो बायर्स ने कितना खरीदा, 15 और 8 कितना हुआ 23, 23 और 2 25, 25 और 5 30, मतलब 30 देखो 30 लोगों 30 बिटकॉइन का वॉल्यूम इतना बड़ा होता है, और साथ में ही हमारे पास में इतना बड़ा कैंडल बना, कितना का 30, अब ये दिमाग में रख लो, देखो ये 30 बिटकॉइन का, 30 बिटकॉइन का ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो रेड कलर का है, सॉरी रेड कलर का नहीं, इसे ग्रीन कलर में करते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है, ये वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, और ये हमारा प्राइस है, प्राइस की कैंडल है, ठीक है, ये प्राइस वाला हमारा कैंडल है और ये हमारा वॉल्यूम वाला कैंडल है, क्या वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम का जो नीचे बनता है ना वॉल्यूम, ठीक है, ये वो है और ये ऊपर में जो प्राइस बनता है ये वो है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि 30 वॉल्यूम में, देखो 30 बिटकॉइन में वॉल्यूम इतना बनता है तो उसके साथ में इतना बड़ा कैंडल बना, ठीक है, पहला सिचुएशन आपने ये देखा। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे सिचुएशन पे, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं तब जाकर के चीजें क्लियर होंगी, अभी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है, ऐसा मत सोचना कि यहीं से मेरी चीजें क्लियर हो गई, नहीं हुई है क्लियर, अभी मैं आपको दिखाता हूं, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़े वॉल्यूम के साथ में छोटा कैंडल कैसे बनता है, बड़ा वॉल्यूम के साथ में छोटा कैंडल कैसे बनता है वो मैं दिखाता हूं अभी मैं आपको। गाइस ये जो हम लोग का जो प्राइस है, ठीक है, इसको थोड़ी टाइम्स के लिए हम लोग साइड कर देते हैं, ठीक है, साइड कर दे रहा हूं, ठीक है, ओके गाइस, अब हम लोग क्या एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हमारे पास में मान लो कि 10 रुपए पे 18 लोग खरीदना चाहते हैं, क्या 18 लोग खरीदना चाहते हैं, पर सेलर्स कितने हैं 15, कितना 15 बिटकॉइन बिक रहा है और 18 बिटकॉइन लोग खरीदना चाहते हैं, ठीक है, पर 10 रुपए पे बिक कितना रहा, अब जितना बिकेगा उतना ही ना खरीद पाओगे, ठीक है, तो 15 10 रुपए पे खरीदा जाता है, कितना 15 10 रुपए पे खरीदा जाता है 15, ठीक है, तो अब हमारे पास में कितना 3 बिटकॉइन बच जाते हैं, कितना 3, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं 3 बिटकॉइन बच जाते हैं, ठीक है, फिर क्या 11 रुपए पे, अब 10 रुपए पे तो पूरा हमें मिल नहीं पाया, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 11 रुपए पे देखता हूं, 11 रुपए पे लोग बेच भी रहे होंगे ना,
ठीक है, अगर 10 रुपए पे लोग बेच रहे हैं तो 11 रुपए पे भी बेच रहे होंगे। तो 11 रुपए पे जब मैं जाता हूं तो 11 रुपए पे 15 बिटकॉइन बिक रहे थे, ठीक है, पर साथ में ही 12 लोग और आ गए खरीदने के लिए, 12 बिटकॉइन और लोग आ गए खरीदने के लिए। तो 12 और 3, जो 3 पहले का बचा हुआ था, ठीक है, कितना हो गया 15, मतलब 15 लोग, 15 बिटकॉइन लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो साथ में ही 15 बिटकॉइन बिक भी रहा था, ठीक है, कितना 15 बिटकॉइन बिक रहा था, पर 12 रुपए पे कोई खरीदना नहीं चाह रहा था, ठीक है, और न ही कोई बेचने वाले थे, बेचने वाले थे 12 रुपए पे और 12 रुपए पे, और 13 रुपए पे भी कोई भी खरीदना नहीं चाहता था, लोगों को रेट ज्यादा लगने लगा, ठीक है। और इसी के साथ में हमारा कैंडल क्लोज हो जाता है, हमारा टाइम हो जाता है, तो हमारा कैंडल कैसा बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। 10 रुपए से शुरू हुआ था, 10 रुपए से शुरू होता है, ठीक है, और कहां तक, 11 रुपए तक कैंडल हमारा जाता है, 11 रुपए तक कैंडल जाता है, कुछ हमारा कैंडल इतना बड़ा बनता है, कितना, इतना बड़ा कैंडल बनता है, पर इसमें वॉल्यूम कितना है, इसमें वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम हमारा कब होगा, जब एक बायर्स और एक सेलर्स मिलेगा, मतलब 18 और 12 कितने होते हैं, 30, 18 और 12 30 होता है। अब 30 लोग, 30 बिटकॉइन खरीदा गया, ठीक है, तो 30 बिटकॉइन इधर से बेचा भी गया, देखो 15 और 15 30, ठीक है, मतलब कि 30 वॉल्यूम में इतना छोटा कैंडल बना, ठीक है, 30 वॉल्यूम में क्या हमारे पास में इतना छोटा कैंडल बना, ठीक है, तो बट 30 वॉल्यूम कितना बड़ा था, 30 वॉल्यूम तो इतना ही बड़ा था, देखो 30 का वॉल्यूम कितना बड़ा था, वो था इतना बड़ा, वॉल्यूम इतना बड़ा था पर कैंडल इतना बड़ा ही बना। अब देखो एक अभी थोड़ा देर पहले जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें 30 वॉल्यूम पे जब 30 बिटकॉइन को खरीद बिक्री हुई, 30 बिटकॉइन की जब खरीद बिक्री हुई तो वॉल्यूम इतना बड़ा, सॉरी कैंडल इतना बड़ा बना, ठीक है, और वही जब 30 बिटकॉइन का फिर से खरीद बिक्री हुआ तो प्राइस कैंडल इतना बड़ा बना, प्राइस और कैंडल इतना ही बड़ा बना। तो आप क्या बोलोगे, फेक खरीदा गया या फेक बिक्री हुई? नहीं, फेक खरीदा नहीं गया, फेक बिक्री नहीं हुई। सिंपल सा बात है, इसका एक ही चीज से मतलब है, सप्लाई और डिमांड से। मान लो कोई अगर एरिया है जहां पर बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, मान लो कि कोई सपोर्ट का एरिया है या फिर कोई वैसा एरिया है जहां पर सबका ध्यान है, बहुत सारे लोग अपना चीजों को बेच रहे हैं, बहुत सारा शेयर बेच रहे हैं और बहुत सारा शेयर खरीद रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, कैंडल छोटा बनेगा पर वॉल्यूम बड़े बड़े बनेंगे, वॉल्यूम क्या बड़ा बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फेक वॉल्यूम है या फेक प्राइस है, प्राइस सही है, प्राइस जेन्युइन है, वॉल्यूम भी जेन्युइन है, ठीक है, गलत आप हो और हम है, हमारे नॉलेज गलत है, ठीक है, ना कि प्राइस और ना कि वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर यह चीज तो पता चल गया कि छोटा, देखो छोटा कैंडल बना बड़ा वॉल्यूम के साथ में, ठीक है। डोंट वरी गाइस, इसे ट्रेड कैसे करना है वो सब भी बताऊंगा, अभी बस ये देखो कि चीजें सही हैं, अपना जो गलत नॉलेज है उसे पहले बाहर निकालो, ठीक है, फिर मैं ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज दूंगा आपको, ट्रेड इसको कैसे करना है, वॉल्यूम को कैसे देखना है, डोंट वरी, ठीक है, सब बताऊंगा, ठीक है। अब इसी के साथ में एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपकी चीजें और क्लियर होंगी, इसको भी हम थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है। 30 बिटकॉइन के साथ में ये एक छोटा सा हमारे पास में क्या है, कैंडल है, एक हमारे पास में बड़ा कैंडल बना, एक हमारे पास में छोटा कैंडल बना, ठीक है, छोटा कैंडल बना। अब अगर मैं क्या सेलिंग का देख, सॉरी नहीं, बाइंग का ही देखते हैं, तो आपकी चीजें और क्लियर होंगी। तो गाइज चलिए अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या होता है, 10 रुपए के प्राइस पे, 10 रुपए के प्राइस पे क्या होता है, 10 रुपए के प्राइस पे 6 बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं लोग, कितना 6 बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं 10 रुपए के रेट पे, ठीक है, पर बिक कितना रहा होता है 5, तो लोग क्या करते हैं 5 बिटकॉइन खरीद लेते हैं, तो हमारे पास में कितना बच जाता है, 1 बिटकॉइन तो हमें और खरीदना है, ठीक है, जो लोग को भी खरीदना है उसे तो 1 बिटकॉइन और खरीदना है, क्योंकि वो तो 6 खरीदना चाहता था ना, पर उसे मिला कितना 5, ठीक है, तो 10 रुपए पे वो क्या सोचा कि अगर 11 रुपए पे जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। पर जैसे ही वो 11 रुपए की प्राइस पे गया खरीदने के लिए, तो वहां पे क्या देखा कि 3 और बिटकॉइन खरीदने के लिए अलग लोग आए हुए थे, ठीक है, और वहां पर कितना बिक रहा था, 3 ही बिक रहा था, ठीक है, 3 ही बिक रहा था। तो क्या हुआ, 3 लोगों ने
तीन बिटकॉइन खरीद लिया, फिर इसे एक और खरीद, एक तो खरीदना इसका बचा हुआ ही है, ठीक है, तो वो 11 रुपए से 12 रुपए पे गया, ठीक है कि 12 रुपए पे मुझे मिल जाएगा। पर 12 रुपए पे जैसे ही वो गया खरीदने के लिए, तो 12 रुपए पे 5 बिटकॉइन और दूसरे लोग थे वो खरीदना चाह रहे थे, ठीक है, और 5 बिटकॉइन ही बिक रहा था और बिटकॉइन नहीं था 12 रुपए पे, ठीक है, ये भी बिक गया। अब इसके पास में अब ये 13 रुपए पे गया, सोचा 13 रुपए पे मुझे मिलेगा, तो 13 रुपए पे एक और बंदा था जो एक बिटकॉइन खरीदना चाहता था और यहां पर बिक रहा था 2 बिटकॉइन, जो बेचने वाला था उसके पास में 2 बिटकॉइन था, तो इसका तो हो गया, एक बिटकॉइन ये बंदे ने खरीदा और एक बिटकॉइन जो शुरू वाला बंदा था वो खरीदा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि सारा जितना भी खरीदना था वो खरीदारी हो गई, ठीक है, खरीदारी हो गई, 13 रुपए लास्ट गया प्राइस, ठीक है। उसके ऊपर बंदा को जाने का जरूरत नहीं पड़ा, जो भी आदमी था उसको जाने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि 13 रुपए लास्ट 10 रुपए से 13 रुपए तक उसको जितना खरीदना था और जो भी लोगों को जितना भी खरीदना था सारे लोगों ने खरीद लिया, सारे लोगों ने खरीद लिया। तो अब हमारा यहां पर कैंडल कैसे बनेगा, और समझ लो टाइम भी हो गया, मान लो एक घंटे का बात था, ठीक है, एक घंटे में इतनी सारी खरीदारी हुई, ठीक है, एक घंटे में ही इतनी खरीदारी हुई, यहां पर हमारा कैंडल कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, और एक घंटे का टाइम जैसे ही पूरा होगा कैंडल क्लोज हो जाएगा, कैंडल क्या होगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, कैंडल क्या होगा थोड़ा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज हो जाएगा। पर अब मैं पूछूं कि कैंडल कितना इतना बड़ा बनकर के रेडी हुआ, ठीक है, पर इसमें वॉल्यूम कितना है, अगर उसका बात करूं तो वॉल्यूम क्या, अब हम लोग देखेंगे कितने लोगों ने खरीदा और कितने लोगों ने बेचा। तो 6 और 3 9 9 और 5 14 और 1 15, बेचा कितने लोगों ने, 5 और 3 8 8 और 5 13 और 2 15, मतलब 15 लोगों ने बेचा और 15 लोगों ने खरीदा, मतलब सिंपल सा बात है 15 वॉल्यूम। अब गाइस आप देखो कि 15 वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम है, ये 30 वॉल्यूम है, आपको याद है ना पीछे का एग्जाम्पल 30-30 वॉल्यूम का है, तो 15 वॉल्यूम कितना होगा, इसका आधा, इसका अगर आधा ले लेंगे हम लोग, ठीक है, तो ये कुछ होगा 15 वॉल्यूम, ठीक है गाइस। अब आप देखो कि 15 वॉल्यूम पे हमारे पास में इतना बड़ा कैंडल बना है, ये कैंडल है, ये वॉल्यूम है, क्या ये कैंडल, ये जो तीन जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है, ये तीन गाइस जो आप यहां पर दिख रहे हैं आपको, ये हमारा कैंडल है, मानता हूं वीक नहीं है इसमें, ठीक है, बिना वीक वाला मैंने बनाया है, वीक अगर मैं काउंट करता ना तो मैथमेटिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, मतलब चीजें बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती, अगर इसको टफ अगर करने, वीक बनाने का मतलब सिंपल सा होता कि चीजों को टफ करना, और मैं चीजों को टफ करना नहीं चाहता, ठीक है। ये हम लोगों का कैंडल हो गया, ये हम लोगों का वॉल्यूम हो गया गाइस। यहां पर मैंने तीन चीजें क्लियर की, पहले देखो अगर बड़ा वॉल्यूम बनता है तो बड़ा कैंडल बनता है, सही है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, बड़ा वॉल्यूम बना छोटा प्राइस बना, छोटा कैंडल बना, बड़ा वॉल्यूम के साथ में छोटा छोटा कैंडल बना, ये क्या, ये फेक था, आप बताओ मुझे, यहां पर क्या सारे लोग फेक खरीद रहे थे, नहीं, कोई फेक नहीं खरीद रहा था, ये भी सही है। और तीसरा कंडीशन मैंने बताया कि वॉल्यूम छोटा है, 15 वॉल्यूम ही है, पर कैंडल क्या बड़ा बना, ठीक है। तो गाइस कैंडल बड़ा बनेगा कि छोटा बने, देखो वॉल्यूम हमेशा स्टेबल रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या हमेशा एक जैसा ही रहेगा, बड़ा छोटा कौन बनता है, वो बनता है कैंडल, ठीक है। तो देखो कितने लोग उस समय में पार्टिसिपेट करना चाह रहे, क्या मैं अगर 10 बिटकॉइन खरीदना चाहता हूं तो क्या मुझे 10 बिटकॉइन वो प्राइस पे मिल रहा है, अगर वो प्राइस पे मिलेगा तो छोटा कैंडल बनेगा, और अगर मान लो वो प्राइस पे नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत प्राइस अपना बढ़ाना पड़ रहा है, मैं ऊपर जाऊंगा, और मान लो 10 रुपए पे मुझे 10 बिटकॉइन नहीं मिल रहा है, तो मैं 11 रुपए पे ढूंढूंगा, वहां पर भी नहीं मिल रहा, 12 रुपए पे ढूंढूंगा, वहां पर भी मान लो नहीं मिल रहा, इस तरह करके 15-16 रुपए पे मुझे मिलता है मान लो 10 बिटकॉइन, ठीक है, पूरा पूरी 10 बिटकॉइन मैं 16 रुपए पे मैं खरीद पाता हूं, तो 10 से लेकर के 16 तक उतना बड़ा कैंडल बनेगा, ठीक है, और वॉल्यूम कितना रहेगा, 10 बिटकॉइन। तो ये निर्भर किस पे करता है कि कितने लोग उस टाइम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, ये वो बता, वॉल्यूम ये बताता है, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा, मैं बताता हूं कि वॉल्यूम देखने से आपको फायदा क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें बायर्स ज्यादा हैं या सेलर्स, बात को समझो। अगर मान लो छोटा वॉल्यूम के साथ में बड़ा कैंडल बन रहा है, मतलब सिंपल सा बात है, लोग बेचना नहीं चाहता है,
खरीदने वाले लोग एक्साइटेड है, खरीदना, देखो खरीदने वाले लोग ज्यादा नहीं है, पर लोग बेचना ही नहीं चाह रहा है, लोग बेचना चाह ही नहीं रहा है, ठीक है। और अगर बड़ा वॉल्यूम के साथ में छोटा कैंडल बन रहा है, इसका मतलब सिंपल सा बात है, लोग बहुत बेच रहे हैं, लोग क्या बहुत बेच रहे हैं, ठीक है, लोग क्या बहुत बेच रहे हैं और लोग बहुत खरीद भी रहे हैं, बहुत बेच रहे हैं और बहुत खरीद रहे हैं। और अगर बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि बायर्स मार्केट में बहुत ज्यादा है सेलर्स के मुताबिक, ठीक है, सेलर्स मार्केट में कम है, इसका सिंपल सा एक ही मतलब होता है, सेलर्स मार्केट में कम है, ठीक है, न कि आपको ऐसा पता चलेगा कि यहां से मार्केट रिवर्स होगा, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, ये सब नहीं पता चलता है। तो गाइस आज के बाद से कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, ये उम्मीद करता हूं, ठीक है। गाइस मैंने इतना बड़ा सीक्रेट आपके साथ में रिवील किया, ये सीक्रेट कोई नहीं बताता है, ठीक है। मैंने भी एक टाइम के लिए सोचा था कि मैं नहीं बताऊं, पर फिर भी आप लोगों का प्यार, पीछे के वीडियो में जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, ठीक है, उसके कारण मैं ये बता रहा हूं, ये सीक्रेट बता रहा हूं। और सच में अगर लग रहा है कि हाँ सच में कुछ मैंने यूनिक बताया, कुछ मैंने नया बताया और कुछ सही बताया है, ठीक है, औरों के मुताबिक, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट जरूर करो यार, ये कमेंट आप करोगे ना तो इसमें आप ही का फायदा है, मैं मोटिवेट हूंगा तो मैं इस तरह की वीडियो, बहुत सारी सीक्रेट्स मैं आपके लिए लाते रहूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी किया करो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन साथ में ही ऑन कर लेना, क्योंकि इस तरह के वीडियो यूट्यूब पे कोई भी नहीं बता रहा है, ठीक है। और इसी तरीके का मैं अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट लाऊंगा। साथ में ही ये बोलना चाहूंगा गाइस कि देखो ट्रेडिंग एक बहुत रिस्की बिजनेस है, ठीक है, ये एक बिजनेस है, बहुत रिस्क है, यहां पे हमारा एक्चुअल पैसा लगता है, ठीक है। तो अगर किसी भी इंसान को अगर सक्सेसफुल बनना है ट्रेडिंग में, तो यार उसे एक न एक गाइड का जरूरत है, एक न एक उसके पास में ऐसा प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहिए जो उसे स्टेप वाइज स्टेप उसे गाइड करे, ठीक है, कि अभी उसे क्या करना है, अभी उसे क्या करना है, ठीक है, अपना ट्रेड शेयर करें, अपना सब कुछ उसके ऊपर, मतलब समझ लो पर्सनल गाइड स्टेप, मतलब उसे हाथ पकड़ करके सिखाए। और गाइज अगर आप ऐसा क्लास अगर चाहते हो, तो गाइज हमारा एक क्लास स्टार्ट होने वाला है जिसका फी बहुत कम है, और ये समझो ये एक ऑफलाइन के जैसा ही क्लास होगा, ठीक है, गूगल मीट पे होगा या फिर जूम ऐप पे होगा, ठीक है। यहां पर आपको गारंटी दिया जाएगा कि आपको जब तक कि आपको ट्रेडर नहीं बना दिया जाएगा, क्लास खत्म नहीं होगा। गाइज मेरा पर्सनल नंबर आपके पास में रहेगा, जब भी आपको डाउट होगा उस वक्त में आप कॉल करके या फिर मैसेज करके मुझसे इजीली से पूछ सकते हो। गाइज पूरा का पूरा लाइनअप मिलेगा और गारंटी मिलेगा आपको ट्रेडर बनाने का। तो गाइज यहां पर आपको नंबर दिख रहा होगा, गाइज अभी कॉल करो, फी बहुत कम है, एक गरीब बच्चा भी इजीली से एफोर्ड कर सकता है, अगर आपके अंदर पैशन है तो कॉल करो। और गाइस बाकी सारी डिटेल्स आपको कॉल करने पे आपको मिल जाएगा। हेलो गाइस, गाइस लोगों ने आपको कितना पागल बनाया है वो इस वीडियो में पता चलेगा। गाइस लोगों ने आपको बताया हुआ है कि वॉल्यूम में क्या होता है, कि वॉल्यूम जब भी इस तरह अप की तरफ जाएगी, मान लो कोई मार्केट है जो अप की तरफ जा रही है, ठीक है, मान लो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है, यहां पर देख सकते हो वॉल्यूम भी अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। लोगों ने ये अंधविश्वास या फिर ये बोल सकते हो ये अफवाह फैला करके रखी है, पर ऐसा नहीं होता है। जब भी वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाएगी तो ये एक साइन देता है कि मार्केट कमजोर हो रही है, मार्केट गिरेगी, जस्ट इससे अपोजिट चीजें होती है। एक्चुअल में क्या होता है, लोगों को खुद नहीं पता होता है, लोग क्या करते हैं 2-3 किताबें पढ़ लेते हैं, ठीक है, रियल मार्केट में एक्सपीरियंस वो नहीं करते, ठीक है, रियल मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं करते। और मैं जो भी बोलूंगा वो मैं बिना लॉजिक के नहीं बोलूंगा, ठीक है, और वो लॉजिक मैं कहां से लाऊंगा, डायरेक्ट मार्केट से लाऊंगा, ठीक है, मार्केट से लाऊंगा। गाइस 10-15 मिनट ये वीडियो में रुक जाओ, क्या पता ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर दे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि वॉल्यूम के थ्रू आप पैसे कैसे कमाए, ठीक है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। गाइस उससे पहले अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो और ट्रेडिंग को और अगर अपना इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलिए गाइस आज हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे आप ट्रेड कैसे लोगे, ठीक है, आप एक्चुअल में ट्रेड कैसे लोगे और वॉल्यूम को देख करके, ठीक है, जब भी मार्केट राइज होता है, जो लोगों ने फैला करके अफवाह रखा है राइज होता है, तब उन्हें बाय करना चाहिए, बल्कि इस वीडियो में आपको अंत तक आपको पता चल जाएगा कि जब भी वॉल्यूम इस तरह से बढ़ता है तब हमें बेचना है, तब हमें क्या बेचना है,
ठीक है, बेचना है। अब क्यों मैं बोल रहा हूं वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, वो आपको मैं दिखाता हूं अभी गाइस। अब आप यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या दिखेगा कि मार्केट यहां पे राइज कर रही है, मार्केट मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। वॉल्यूम भी क्या कर रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते, ठीक है, वॉल्यूम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ स्पाइक ले रहा है। पर आप क्या देखोगे कि जब मार्केट ने सबसे बड़ा वॉल्यूम अप की तरफ लगाया, ये देखो ये हमारे पास में यहां पर सबसे बड़ा वॉल्यूम है, कौन सा, ये हमारे पास में सबसे बड़ा वॉल्यूम है यहां पर, ठीक है, ग्रीन कलर का, जिसके साथ में ये कैंडल बना था, ठीक है। और उसी के बाद से देखोगे आपकी मार्केट कमजोर पड़ गई, ठीक है, फिर मार्केट ने बस फेक आउट दिया, ऊपर में स्टॉप लॉस लिया और फिर मार्केट नीचे की तरफ। अब ऐसा क्यों, लोगों ने क्या बता करके रखा था कि मार्केट जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, कि मतलब वॉल्यूम अगर अप की तरफ होगा और मार्केट भी अगर ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब मार्केट और ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट को तो मार्केट को क्या और ऊपर जाना चाहिए था, पर मार्केट ने क्या किया, उसके बाद में मार्केट नीचे, देख सकते हो नीचे गिरा, उसके बाद में मार्केट क्या नीचे गिर गया। और आप नोटिस क्या करोगे कि आप यहां पे देखना, जब मार्केट ने सबसे बड़ा कैंडल और सबसे बड़ा वॉल्यूम के साथ में लगाया था, उसके बाद ही मार्केट कमजोर पड़ना शुरू हो गई थी, ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा टाइम के बाद मार्केट गिर गई, ठीक है, मार्केट गिर गई। और मैं आपको मैं दिखाता हूं गाइस, अब यहां पर देखो यहां पर क्या हुआ, मार्केट गिर रही थी, ठीक है, यहां पर क्या, यहां पर मार्केट गिर रही थी, ठीक है, यहां पर मार्केट क्या गिर रही थी, ओके सही था, और क्या वॉल्यूम बढ़ रहा था, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा था, सही था, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा था, मार्केट गिर रही थी, पर उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होना चाहिए था, उसके बाद मार्केट को तो और गिरना चाहिए था ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और मार्केट गिर रही है, इसका मतलब मार्केट और गिरना चाहिए था नीचे की तरफ, नीचे की तरफ तो और गिरना चाहिए था ना, पर मार्केट ने क्या किया, यहां से ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, देखो बल्कि वॉल्यूम बढ़ रही थी, मार्केट गिर रहा था, मार्केट को और गिरना चाहिए था, ठीक है, पर ऐसा नहीं, क्यों, ये अभी आपको थोड़ा टाइम के बाद पता चलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि मार्केट हमेशा अपोजिट करती है, ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है ना, इंडियंस के साथ में एक प्रॉब्लम है कि हमें हर एक चीज उल्टा बताया जाता है, हमें सब कुछ जो होता है ना वो उल्टा बताया जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, किसी को भी जज नहीं करते, डायरेक्ट ट्रस्ट कर लेते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं अंग्रेज भी हमें गुलाम बनाए और कोई भी हमें मूर्ख बना के चला जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग किसी को भी अतिथि देवो भव मान लेते हैं, या फिर कोई भी अगर हमें फ्री में नॉलेज देता है तो हम लोग सोचते हैं यार सही होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, आजकल लोग बहुत फ्रॉड करने लगे हैं, ठीक है, लोग क्या बहुत फ्रॉड करने लगे। अब एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस अब मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है, छोटा सा एक लॉजिक बताता हूं, लॉजिक के बिना मैं बात नहीं करता, ठीक है गाइस, देखो जब भी मान लो वॉल्यूम बड़ा बन रहा है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमें क्या बताता है, मैंने पिछला पार्ट में बताया था, वॉल्यूम हमें ये बताता है कि कितना बिटकॉइन खरीद बिक्री हो रहा है, कितना बिजनेस हो रहा है, ठीक है, समझो ये ताकत है, ये तेल है, जितना बिजनेस होगा उतना बड़ा कैंडल बनेगा, बात को समझो, उतना उसका प्रेजेंटेशन कैंडल पे होगा। तो हमेशा याद रखना कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है मतलब बहुत सारे लोग खरीद रहे खरीद रहे खरीद रहे, ठीक है, समझो बात को, बहुत सारे लोग खरीद रहे खरीद रहे खरीद रहे और कैंडल छोटा बन रहा है, मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा बात है, वहां सेलर्स भी बहुत सारे हैं, सेलर्स मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, बात को समझो, ये बात, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो सिंपल सी बात है वहां बायर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वहां सेलर्स भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। अब आप सोच के देखो कि आप और आपका दुश्मन दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर, आपका दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर, तो यहां पर मार्केट का ऊपर जाने का या फिर आपके जीतने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं कि वॉल्यूम जब ज्यादा रहेगा ना, ठीक है, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा अगर गिरते हुए मार्केट में भी रहेगा, ठीक है, तो ये साइन है कि मार्केट ज्यादा देर तक और नीचे नहीं गिरेगा, क्यों, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, वो जाकर के एक बार देख लो, फॉर्मूला के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि देखो अगर मान लो मैं आपको पूछता हूं कि मान लो कि मुझे 100 बिटकॉइन खरीदना है, कितना 100 बिटकॉइन खरीदना है मान लो, ठीक है, या फिर 100 निफ्टी का शेयर खरीदना है, ठीक है, 100 निफ्टी का शेयर मुझे खरीदना है, ठीक है, तो वहां पर बेचने वाले भी 100 है, ठीक है, या 95 है, ठीक है, 100 या 95 है, मान लो 95 है, ठीक है, मुझे 100 बिटकॉइन खरीदना है, सॉरी 100 निफ्टी का शेयर खरीदना है और 95 मेरे पास में सेलर्स वही रेट पर अवेलेबल है,
मान लो 10 रुपए में मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, 100 शेयर, ठीक है, और 95 मुझे 10 रुपए भी मिलता है, और तुरंत 10.10 रुपए 1 पैसा जैसे ही मैं जाता हूँ मुझे 5 बिटकॉइन और मिल, 5 निफ्टी का शेयर और मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो आप बताओ कैंडल बहुत छोटा सा बनेगा, पर वॉल्यूम कितना का बनेगा? वॉल्यूम बनेगा 100 शेयर का, वॉल्यूम बनेगा 100 शेयर का, ठीक है। और कैंडल क्या बनेगा? कैंडल बनेगा एकदम पूरा छोटा सा, क्यों? क्योंकि मार्केट सेलर्स भी वहां अवेलेबल है ना, ठीक है, सेलर्स भी वहां अवेलेबल है। अब ऐसा क्यों होता है, फॉर्मूला जाकर के देख लो, पिछला वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, बल्कि देखो 100 शेयर लोग खरीद रहा है, ठीक है, तो ये कहानी हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मुझे मुझे खरीदना है, मान लो 50 शेयर मुझे खरीदना है, ठीक है, 50 शेयर मैं 10 रुपए पे लगाता हूँ, ठीक है, 10 रुपए में मैं खरीदना चाहता हूँ 50 शेयर, ठीक है, निफ्टी का, ठीक है, सेम सिचुएशन अभी दूसरा तरफ में दे रहा हूँ, समझो बात को, ठीक है। तो पर मुझे क्या, 10 रुपए पे मुझे बस मिल रहा है मुझे 10 शेयर, कितना मुझे 10 शेयर मिला, कितना मुझे मिला, 10 शेयर मुझे मिला, ठीक है, 10 शेयर क्या मुझे मिला, ओके, 10 शेयर मुझे मिला, तो 10 शेयर 10 रुपए भी मिल रहा है। अब 11 रुपए भी मुझे 20 शेयर मिल रहा है, ठीक है, 10 शेयर मैंने ले लिया कितने रुपए पे, 10 रुपए पे, ठीक है, फिर मुझे क्या 20 शेयर मुझे मिला, 11 रुपए पे मिला, ठीक है, और फिर क्या, और 30 शेयर मुझे मिल गया 12 रुपए पे। तो कैंडल क्या बनेगा? कैंडल बनेगा कुछ इतना बड़ा, 10, 11, 12, और वॉल्यूम कितना का बनेगा? वॉल्यूम बनेगा 50 कैंडल का, ये सॉरी 50 शेयर का, ठीक है, वॉल्यूम बनेगा हमारे पास में 50 शेयर का। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम छोटा रहेगा पर कैंडल बड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा बात है कि मार्केट में सेलर्स कम है। देखो 10 रुपए पे क्या सेलर्स कम था, 11 रुपए पे भी, 11 रुपए पे भी क्या सेलर्स कम, ठीक है। और जब हम लोग 100 बिटकॉइन खरीद रहे थे, जब हम लोग 100 बिटकॉइन वाला ये सीन में क्या था कि 10 रुपए पे ही 95 शेयर्स बिक रहे थे, और इसमें क्या 10 रुपए पे बस 10 शेयर बिक रहे। तो आप डिफरेंस समझो ना, अगर सेलर्स कम रहेगा, अगर ओपोनेंट, अगर देखो कोई अगर बेच रहा है तो खरीदने वाला कम है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट और नीचे जाएगी, समझो बात को, मार्केट और नीचे जाएगी, छोटा वॉल्यूम में ही मार्केट और नीचे जाएगी, ठीक है। तो छोटा वॉल्यूम जब भी रहेगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि वहां पे अपोजिट में उसका दुश्मन कम है, छोटा वॉल्यूम, सॉरी, जब भी छोटा वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा बात है कि उसका जो खरीदने वाला या बेचने वाला जो अपोजिट में, ठीक है, अपोजिट में है वो कम है, ठीक है, कम है इन द सेंस में अभी दूर दूर तक बहुत सारे वो सब कम है, तो मार्केट बहुत नीचे जा सकती है, जब तक कि हैवी में अपोजिट वाला अगर खरीदने वाला या बेचने वाला, जो अपोजिट में, मान लो मैं खरीद रहा हूं, तो बेचने वाला जब तक कि मुझसे ज्यादा नहीं आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं 100 बिटकॉइन अगर अगर खरीद रहा हूं, तो अगर मेरे जब तक कि 101, 102 या फिर 110 बिटकॉइन कोई बेचने वाला नहीं आएगा, तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी। जब तक खरीदने वाला ज्यादा रहेगा तब तक मार्केट ऊपर जाते रहेगी, या बेचने वाला ज्यादा रहेगा तब तक मार्केट नीचे जाते रहेगी, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो छोटा वॉल्यूम के साथ में जब भी हमें बड़ा बड़ा कैंडल दिखे, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा दुश्मन वहां नहीं है, मार्केट और वही डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। और लोगों ने जस्ट इसके अपोजिट इंफॉर्मेशन फैला करके रख दिया है, पूरा उल्टा, ठीक है। तो हमेशा ये चीज दिमाग में बस ये बैठा लो ना कि छोटा वॉल्यूम बड़ा कैंडल फेवर में है, मार्केट और ऊपर जाएगी, क्यों? दुश्मन नहीं है तभी कम ताकत। देखो वॉल्यूम को आप ऐसे ले लो ना एनर्जी के रूप में, अगर कम तेल में गाड़ी ज्यादा दूर तक चले, मतलब क्या है? मतलब सिंपल सी बात है कि रास्ता बहुत ढुलाव है, ठीक है, ढलाव है रास्ता, ठीक है, गाड़ी को ज्यादा ताकत नहीं लग रहा खींचने में। पर आप कभी भी देखना कि अगर रास्ता बहुत खराब रहे, ठीक है, और पूरा का पूरा ऊपर की तरफ, पहाड़ी की तरह एकदम पूरा ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ रहे, ठीक है, तो हमेशा तेल हमें ज्यादा खर्च होता है, गाड़ी तेल क्या ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। तो अगर तेल ज्यादा लग रहा है तो सिंपल सी बात है कि रास्ता खराब है, ठीक है, और तेल कम लग रहा है मतलब कि क्या रास्ता सही है, गाड़ी और स्पीड में नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, समझो बात को। वॉल्यूम जब भी कम रहे, ठीक है, वॉल्यूम जब भी आपको कम मिलेगा खुश हो जाओ, वॉल्यूम जब आपको कम मिलेगा खुश रहना, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर तरफ जाएगी, ठीक है, ऊपर के तरफ ही जाएगी। देखो गाइस, अब मैं यहां दिखाता हूं आपको, ठीक है, यहां पर देखो आप, ठीक है, यहां पर देखो आप, हमारे पास में एक रेड कैंडल, कितना बड़ा कैंडल है,
तो कैंडल भी बड़ा बना है, ठीक है, नो डाउट कैंडल भी बड़ा बना है, पर वॉल्यूम भी मतलब ताकत भी ज्यादा ही लगा, ठीक है, ताकत भी ज्यादा। उसके बाद मार्केट क्या गया, देखो मार्केट ऊपर चला गया, बल्कि देखोगे कितना बड़ा वॉल्यूम बना, फिर मार्केट क्या ऊपर चला गया। उसी तरीका से आप सेम देखो आप ग्रीन वाले में देखो तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि आप देखोगे ये हमारे पास में ग्रीन कलर का कैंडल है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये है ग्रीन कलर का, उसके साथ में वॉल्यूम देखोगे तो बहुत बड़ा है। मार्केट उसके बाद क्या किया, मार्केट गिर गया। सिंपल सी बात है कि मार्केट को ज्यादा ताकत लग रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाने में ज्यादा तेल जल रहा है मार्केट का, ये हमें कौन बताया, ये हमें वॉल्यूम बताया, वॉल्यूम को तेल के रूप में ले लो, ज्यादा तेल लग रहा है यार तो हम लोग वो डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते या वो रास्ता नहीं जाना चाहते जिसमें हमारा गाड़ी ज्यादा तेल खाए। हम लोग अक्सर वो रास्ता के थ्रू ज्यादा जाना चाहते हैं जिसमें हमारा गाड़ी कम तेल खाए, तो नीचे जाने में गाड़ी कम, तो यहां पर जब ज्यादा लेने लगा तो मार्केट देखो नीचे गिरा, ठीक है, और फिर जब नीचे में भी मार्केट ज्यादा लेने लगा, ज्यादा तेल खाने लगा, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो वॉल्यूम को हमें इस तरह से देखना है, वॉल्यूम के थ्रू हमें समझना है क्या कि एक्चुअल में वॉल्यूम क्या हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि कब आपको मार्केट से निकल जाना है। जब भी कुछ बड़ा बड़ा वॉल्यूम बनेगा आप अक्सर देखोगे मार्केट वहीं से रिवर्स करता है, मार्केट अक्सर आपको वहीं से रिवर्सल मिलेगा। ये आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, ठीक है, आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखो यहां पर बड़ा बड़ा वॉल्यूम बना, मार्केट थोड़ा सा ही क्यों ना नीचे तो जरूर आया, ठीक है, यहां से देखो मार्केट नीचे आया, बड़ा वॉल्यूम बना मार्केट यहां से भी नीचे आया, ठीक है, और मैं आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है, देखो गाइस, देखो अब यहां पर देख लो, इधर क्या, अभी आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। इधर देखो वॉल्यूम एकदम पर जीरो है, यहां से वॉल्यूम बढ़ा, यहां पर क्या दो कैंडल ने वॉल्यूम को बढ़ाया, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप देख पाओ, ठीक है। देखो यहां तक क्या, यहां तक वॉल्यूम पूरा नॉर्मल था नॉर्मल, देखो पूरा नॉर्मल था। यहां पे ये कैंडल, ये वॉल्यूम का बार ने पूरा कैंडल को कितना बड़ा कैंडल, कितना बड़ा सा वॉल्यूम बनाया, सॉरी कितना बड़ा सा वॉल्यूम यहां पर एक बना, ठीक है। और उसके बाद में कंटिन्यू तीन, देखो तीन यहां पे, एक दो तीन, तीन वॉल्यूम बड़ा सा बना, ठीक है। और हम लोग प्राइस पे इसका इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अब भी आपका पूरा का पूरा डाउट यहां से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या होता है। देखो गाइस, अब मार्केट यहां पर कुछ अप की तरफ जा रही थी, देखो अभी आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मार्केट यहां से अप की तरफ जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, मार्केट में तीन, एक दो तीन, ये वही वॉल्यूम है यहां वाला, ठीक है, यही बड़े बड़े वाले तीन वॉल्यूम, तीन बड़ा बड़ा वॉल्यूम ग्रीन कलर का दिया मार्केट। उसके बाद आज तक तो आपने पढ़ा था यार कि वॉल्यूम बढ़ा रहेगा तो मार्केट मतलब और ऊपर जाएगा, मार्केट में ताकत है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। लोगों ने तो बता के रखा था, मैं बिना लॉजिक का मैं बोला ना बात नहीं करता हूं, ठीक है, बिना लॉजिक के क्या बात नहीं करता। उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, गिरा मार्केट, उठा नहीं है, गिरा है मार्केट, ठीक है। यही चीज आप जहां पे भी देखोगे ना, देखो बड़ा वॉल्यूम के साथ है मार्केट गिरा, ठीक है, देखो बड़ा वॉल्यूम है यहां पर, मार्केट गिरा, उसके बाद मार्केट देखो ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। देखो यहीं पे देखो आप, ये बड़ा वॉल्यूम है, ठीक है, देखो ये कैंडल है, ये कैंडल है, उसके बाद मार्केट गिरा, ठीक है। आपको क्या ये बहुत ज्यादा आपको कंफर्मेशन दे देगा, जहां पे भी आप देखोगे, देखो यहां पे आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, देखो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उसके बाद देखो मार्केट गिरा, उसके बाद ही क्या यहां से यहां तक मार्केट गिरा, देखो ये बहुत बड़ा सा वॉल्यूम है ये वाला, ये उसके बाद मार्केट देखो ऊपर चला गया। तो जब भी बड़ा वॉल्यूम आपको दिखेगा, ठीक है, तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, सतर्क हो जाओ, पूरा सतर्क हो जाओ। और खास करके देखो बड़ा वॉल्यूम के साथ में दिमाग में रख लो, ये ट्रिक है, क्या ये बहुत बड़ा ट्रिक है कि बिग वॉल्यूम के साथ में मान लो ये हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूं, ये हमारा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है, बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, बड़ा वॉल्यूम के साथ में अगर आपको रेजिस्टेंस के पास में, देखो गाइस ये सब देखने का तरीका होता है, इनडायरेक्टली कहीं भी मत देख लेना, ठीक है, इनडायरेक्टली कहीं भी मत देखना, छोटा कैंडल आपको दिखे, ठीक है, छोटा कैंडल आपको दिखे, ठीक है, छोटा कैंडल आपको दिखे, तो सिंपल से बात है आप क्या करो, फिर शॉर्ट कर दो। और यहां पे अगर रेजिस्टेंस रह गया तो, ठीक है, अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मेरी सीक्रेट है, ठीक है, मैं शेयर नहीं करता इस चीजें, ठीक है, पर फिर भी आपको शेयर कर रहा हूं। ये कुछ ट्रिक है, लोग बोलते हैं ना कैसे हमें पता चलेगा अगर रेजिस्टेंस के पास से मार्केट कंफर्म नीचे आएगा, वो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं,
अब आपको यूज कैसे करना है। पहला चीज, मान लो आपने नीचे ट्रेड ले लिया है, ठीक है, मान लो कि कहीं पर भी आपने, मान लो देखो एक बात बता रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ट्रेड लिया, यहां पे मान लो ये कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि वॉल्यूम छोटा 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 बन रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, छोटा बने वॉल्यूम बहुत बेहतर है, ठीक है। पर जैसे ही मैं देखूंगा, ठीक है, कि यहां से वॉल्यूम थोड़ा बड़ा हुआ है, क्या यहां से वॉल्यूम बड़ा हुआ और ऊपर में रेजिस्टेंस है हमारा, देखो रेजिस्टेंस का पहले ही लाइन दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है और वॉल्यूम भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो जैसे ही सबसे बड़ा वॉल्यूम बन जाएगा मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, क्या ऊपर में देख लूंगा रेजिस्टेंस है, बड़ा वॉल्यूम है, मैं मार्केट से आउट हो जाऊंगा। उसी तरीके से नीचे जब मैं, मान लो यहां से मैं शॉर्ट लेता हूं, कहां से, यहां से मैं शॉर्ट लेता हूं, ओके, यहां से मैं शॉर्ट लेता हूं, मैं उसके बाद में क्या देखूंगा कि चलो यहां से शॉर्ट लिया हूं, देखो यहां नीचे, देखो यहां पे आप जब देखोगे यहां सब पूरा पूरा छोटा छोटा वॉल्यूम बना है, यहां पूरा देखोगे छोटा छोटा वॉल्यूम बना, ठीक है, छोटा छोटा वॉल्यूम, सॉरी मैं गलत जगह पे आ गया, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे छोटा छोटा वॉल्यूम बना, ठीक है, तो जैसे ही लास्ट में मैं ये कैंडल देखूंगा और उसके साथ में बड़ा वॉल्यूम देखूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पर 50% प्रॉफिट अपना बुक कर लूंगा, क्योंकि यहां पे देखो दूसरा बात, यहां पे वैसा सपोर्ट आना ही नहीं, देख लूंगा मैं, यहां पे देखो हमारा एक सपोर्ट भी है, देखोगे तो यहां पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, सपोर्ट है, हाँ सपोर्ट है, तो मैं यहां पर कंप्लीट बुक कर लूंगा प्रॉफिट, बड़ा वॉल्यूम मुझे मिल गया लास्ट में सपोर्ट के पास में, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। ये डीपली आपको कहां देखना है, ये देखना है हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, कोई भी पैटर्न क्यों ना हो, कोई भी ट्रिक क्यों ना हो, कोई भी फेक आउट क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अधिकतर चीजें आपको कहां देखनी है, की एरिया पे, ये बात हमेशा याद रखना, की एरिया पे देखो तो आपकी चीजें काम करेंगी, ठीक है, रेंडमली कहीं भी नहीं देखना इसे, ठीक है, आपका एक एरिया स्पेसिफिक जोन हमेशा होना चाहिए, तो ये बात हमेशा याद रख लो, बड़ा कैंडल, ये सॉरी बड़ा वॉल्यूम छोटा कैंडल, मतलब क्या है, मतलब यहां पर देखो आप सोच के, यहां पर मैं आपको एक बहुत डीपली सा एक बात बताता हूं, मार्केट यहां से ऊपर गई है, ठीक है, सोचो एक बार यहां से ऊपर गई और यहां पर एकदम से सेलर्स बहुत ज्यादा आ गए, बायर्स को टक्कर देने लगे, देखो इधर मार्केट ने टक्कर नहीं दिया, मार्केट यहां से आया है ऊपर तक, ठीक है, इधर छोटा छोटा वॉल्यूम बन रहा था, ठीक है, मतलब छोटा वॉल्यूम मतलब क्या, सेलर्स मार्केट में नहीं, कम है, बहुत कम, छोटा वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, मतलब कि सेलर्स कम है, सेलर्स ने देखा रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहां पे क्या हुआ, इतना बड़ा वॉल्यूम बन गया, ठीक है, तो बायर्स के पास तो ताकत था ही था ना, तो बायर्स ने अपना ताकत तो दिखाया ही, पर सेलर्स आ गए मार्केट, तो जब ये चीज दिख जाता है बहुत सारे लोगों को, तो वो क्या करते हैं, अपना जो लॉन्ग का पोजीशन है वो शॉर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर यहां से मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है, क्यों, उनको दिख जाता है मार्केट में सेलर्स आ गए हैं, ये साइन होता है दिखाने का कि मार्केट में सेलर्स आए हैं, और अगर ये बेरिश कैंडल कुछ बनता है तब और अच्छी बात है, बेरिश कैंडल बनता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये क्या कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं गाइस आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो गाइस अगर अच्छा लग रहा है यार तो एक कमेंट करो, ठीक है, ये सब चीजें कोई नहीं शेयर करता है पर मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जब भी इस तरह का बन जाएगा आपको एक एडिशनल और एक कंफर्मेशन मिलेगा, क्या एडिशनल और एक कंफर्मेशन मिल गया, अब मुझे शॉर्ट करना है, पर यह चीज मैंने बता दिया, देखना कहां है, ये आपको हमेशा देखना है रेजिस्टेंस के ऊपर, और मान लो यहां पर आप एक क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो कि मान लो ये जो हमारा ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल क्या ये भी बड़ा हो, मान लो वॉल्यूम भी बड़ा हो और कैंडल भी बड़ा हो, तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, 75% चांसेस रहेगा मार्केट नीचे यहां से आएगा, पर उतना ज्यादा नहीं रहता, पर हाँ फिर भी इंडिकेशन है, फिर भी शॉर्ट करो, ठीक है, छोटा कैंडल के साथ बन जाता है अगर बड़ा वॉल्यूम तो ये अति उत्तम वाला बात है, मतलब बहुत अच्छा बात है, ठीक है, पर अगर बड़ा कैंडल के साथ भी बड़ा वॉल्यूम बनता है ना रेजिस्टेंस के पास में, तो ये भी एक साइन है रिवर्सल का, ऐसा बात नहीं ये साइन नहीं है रिवर्सल का, ये भी एक साइन है, पर हमेशा वेट करना, ट्राई करना छोटा कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम बने, और यही चीज सेम रिपीट होता है अपोजिट में सेल में, ठीक है, मान लो ये सपोर्ट है हमारा, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर अगर मान लो यही कैंडल, अगर ये वॉल्यूम है हमारा, मान लो ये वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, ये वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, वॉल्यूम का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, वरना बोलोगे कि रेड कलर में नहीं है, ठीक है, और मान लो कि ये हमारा एक कैंडल है, ओके, इसके जस्ट
इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूं। तो ये क्या, ये भी साइन है रिवर्सल का। जो भी साइकोलॉजी, जो भी चीजें रेजिस्टेंस पे काम करती हैं, वही चीजें सेम टू सेम सपोर्ट पे काम करती हैं। वही चीजें क्या, सपोर्ट पे काम करती हैं। ठीक है, इसमें भी सारी चीजें सेम है, वही चीज रहेगा। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, यहां से क्या मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा। तो अब हम लोग क्या, अब हम लोग गाइस कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल तो बता दिया, फिर भी मैं आपके लिए एग्जांपल्स बताता हूं। ठीक है, एग्जांपल्स बताता हूं, और वो भी जीता जागता हुआ एग्जांपल दूंगा। ठीक है, जीता जागता हुआ यहीं पे दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, यहीं से हम लोग देखेंगे। ओके गाइस, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने ड्रॉ करके पहले से ही रखा है कि ये क्या, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ड्रॉ करके मैंने रख दिया रेजिस्टेंस का एरिया। और मैं दूसरा क्या देखूंगा कि मार्केट यहां पर काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब मार्केट क्या, मार्केट यहां पर रुक रही है बहुत टाइम से। ठीक है, वो हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, मार्केट यहां से रुक रही है। ओके, मार्केट यहां पे रुक रही है, तो ये हमें एक अलग से कमजोरी दिखा देता है मार्केट का। क्या, मार्केट का अलग से कमजोरी दिखा दिया, मार्केट यहां पर रुक रही है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सिंपल से आएंगे वॉल्यूम पे। ठीक है, हम लोग क्या, हम लोग आएंगे वॉल्यूम पे और हम लोग देखेंगे वॉल्यूम को। देखो, फिर हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम छोटा छोटा बन रहा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, छोटा छोटा यहां पर वॉल्यूम बन रहा है सारा का सारा, तो हम लोग वेट करेंगे, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको मैं दिखाता हूं, रुको, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो हम लोग क्या यहां पर वेट करेंगे। ठीक है, बड़ा बड़ा इसे कहते हैं, ये जो यहां पर बन रहा है ना, ये सब जो कुछ कुछ बना है, ठीक है, इधर वाले, ठीक है, इसे बड़ा कहते हैं, ये छोटा है। ठीक है, तो यहां पर वेट करेंगे और फिर हम लोग वेट करेंगे और हम लोग देखेंगे आगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूं यहां से आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है, एक आपको एडिशनल ट्रिक देगा कि जब भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बड़ा वॉल्यूम दिखेगा, बड़ा कैंडल के साथ या छोटा कैंडल के साथ, ठीक है, और भी बाकी सारी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, वो सबको मिला करके जो भी आप, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड लेते हो, चाहे आप कैंडलस्टिक्स के बेस्ट पे ट्रेड लेते हो, चाहे आप ईएमए एमए या इंडिकेटर के बेस्ट पे ट्रेड लेते हो, जैसे भी आपकी स्टाइल है ट्रेड लेने की, उसके अनुसार से मैच कर लेना। ठीक है, और ये आप क्या एक एडिशनल कंफर्मेशन दे देगा, और उसके बाद मार्केट को शॉर्ट कर देना या लॉन्ग कर देना। ठीक है, तो ये क्या, ये आप उसके बाद में आप क्या देखोगे कि आप वॉल्यूम को अच्छे तरीके से आप एनालाइज करना सीख गए हो। साथ में ही आपको दूसरा चीज, दूसरा काम क्या करना है कि जब भी मार्केट में बड़ा वॉल्यूम बनेगा, बड़ा वॉल्यूम बनेगा, तो डर जाओगे मार्केट से। ठीक है, मान लो आप ट्रेड में हो, ठीक है, आपके मार्केट रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचा और बहुत बड़ा सा वॉल्यूम बन गया है, छोटा छोटा कैंडल के साथ बड़ा बड़ा वॉल्यूम बन रहा है, छोटा छोटा कैंडल के साथ बड़ा बड़ा वॉल्यूम बन रहा है, मतलब सिंपल सी बात है, आपको कमजोरी दिखना चाहिए उसके बाद। ठीक है, तो वहां पर क्या करो, 50-60% या 70% या फिर 100%, जैसा भी आपकी मन करे, ठीक है, आप प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट क्या, बुक कर लो, या स्टॉप लॉस अपना ट्रील कर लो, मतलब स्टॉप लॉस अपने प्रॉफिट में लगा दो, ना कि नुकसान। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस, उम्मीद करता हूं वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।